दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जबरदस्त अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है वो छोटी मोटी अपडेट नहीं है, बम्पर वैकेंसी की अपडेट है जो कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से है। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है उसकी हेडलाइन आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लगभग 10 लाख यहाँ पर पद जो है खाली पड़े हैं केंद्र सरकार के पास में, नई भर्ती के, और इनमें से 8 लाख जो पद है सिर्फ 4 मंत्रालयों में है। तो दोस्तों यहाँ पर इस साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और इसको लेकर के सरकार जो है नई भर्तियां निकालने जा रही है। कौन कौन से डिपार्टमेंट से भर्ती निकालने जा रही है वो आप देख सकते हैं, रेलवे की तरफ से निकलेगी भर्ती, गृह मंत्रालय की तरफ से निकलेगी भर्ती। तो रेलवे में जो भर्ती होने जा रही है, रेलवे टीसी की भर्ती होगी, एनटीपीसी की भर्ती होगी, ग्रुप डी की भर्ती होगी, लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती आप देख पाएंगे। साथ ही साथ रेलवे की जो सुरक्षा बल की फोर्स है यानी कि आरपीएफ की भर्ती भी आप यहां पर देखने को मिल पाएंगे, ठीक है आपको। वही दोस्तों गृह मंत्रालय की जो भर्ती होने जा रही है यानी कि जो डिफेंस की वैकेंसी होगी, जैसा कि डीआरडीओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, आर्मी की भर्तियां देखने को मिलेगी, नेवी की आपको भर्ती देखने को मिलेगी, एयरफोर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ही भर्ती है और साथ ही साथ डाक विभाग की तरफ से भी यहां पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस साल 2023 में आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी आ रही है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। हम आपको वैसे भी अपडेट देते रहे हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे, रक्षा मंत्रालय, इन सभी भर्तियों की अपडेट आपको वैसे भी एडवांस में हमारे चैनल के माध्यम से मिलती जा रही है। तो तैयारियों में लग जाए, यहाँ पर आप सभी के लिए एक भर्तियों की सुनामी आ चुकी है। दोस्तों अप्लाई जरूर कीजिएगा लेकिन तैयारियों में लग जाए, ये भर्तियां कभी भी अचानक आपके सामने आ जाएगी और बहुत ही कम समय आपको मिलेगा तैयारी करने का। तो तैयारियों में लग रहे हैं, जल्द से जल्द भर्तियां आ रही है। दोस्तों पूरी भर्तियों की जानकारी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं रोजाना आपको सरकारी नौकरी की अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रहा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपडेट है, नौकरियों का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी समय से भर्तियां खाली है, सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब नहीं निकाली जा रही है सरकारी डिपार्टमेंट में, केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा के आधार पर भर्तियां निकाली जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, चाहे वो रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाली जा रही है। लेकिन दोस्तों आप जो है चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, और उसको लेकर के सरकार ने यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज करने की अनाउंसमेंट की है वो केवल परमानेंट वैकेंसी होगी। जैसा कि आपको बता दें कि 3-4 साल बाद जाकर के केंद्र विद्यालय संगठन केवीएस में भी वैकेंसी आई है, वो भी परमानेंट वैकेंसी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी की अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों डाक विभाग की काफी समय से पेंडिंग चल रही है वैकेंसी, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की, वो भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल रही है। 2023 की शुरुआत में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। रेलवे जो नई भर्ती लेकर के आ रहा है वो अप्रैल में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और डाक विभाग का जो नोटिफिकेशन होगा वो फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की से भी वैकेंसी जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने पद खाली पड़े हैं, जिसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर केंद्र के 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो है रेलवे का, तो यहाँ पर स्वीकृत पद आप देख सकते हैं और खाली पद कितने हैं, 2,93,000। तो 2,93,000 पद यहाँ पर अभी भी खाली पड़े हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1,00,000 पद अभी तक खाली है, 1,00,000 पर वैकेंसी आनी है तो बम्पर वैकेंसी होगी, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली जाएगी। वही दोस्तों रक्षा मंत्रालय सिविल डिपार्टमेंट में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, 2,00,000 से अधिक यहाँ पर भी पद खाली पड़े हैं। वही दोस्तों गृह मंत्रालय में भी आप देख सकते हैं लगभग 1,50,000 पद यहाँ पर खाली पड़े हैं और डाक विभाग में आप देख सकते हैं 90,000 पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। तो 90,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती आने वाली है, एमटीएस की होगी, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की और ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। राजस्व विभाग में भी आप देख सकते हैं 80,000 पद खाली है, ऑडिट में भी आप देख सकते हैं 25,000 है, परमाणु ऊर्जा में 9,000 से अधिक पद खाली है, वहीं साइंस टेक में आप देख सकते हैं 8,000 से अधिक पद खाली है, खनन में 7,000 से अधिक है, जल संसाधन यानी कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में भी आप देख सकते हैं 6,000 से अधिक पद खाली है, लगभग 7,000 पद खाली है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर
संस्कृत में भी खाली पद पड़े हैं और यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान शहरी मामले यानी कि आप दे सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कितने पद खाली पड़े हैं। तो इन पदों के अनुसार यहाँ पर भर्ती की उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन पदों पर ये भर्ती निकाली जा रही है। ठीक है, तो 2023 में ये भर्तियां देखने को मिलेगी क्योंकि 2022 तो एंड हो रहा है और यहाँ पर 2023 की शुरुआत होने वाली है नई भर्तियों के साथ में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये भर्तियां आप देख पाएंगे इस साल 2023 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरी आर्टिकल है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएएस के भी और आईपीएस के भी पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर जो है 2200-2300 पद आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जल्द ही पदों पर भर्ती निकालने जा रहा है केंद्र सरकार। तो ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकाली जाएगी। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कलोड दोगुना होने से साइंस टेक कॉमर्स जैसे विभागों में 50% से ज्यादा पद अभी तक नहीं भरे गए हैं। ठीक है, वर्कलोड ज्यादा हो चुका है लेकिन वैकेंसी नहीं निकाली जा रही क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन को लेकर के सरकार जो है नई वैकेंसी निकालने जाती है क्योंकि जो वोट सबसे ज्यादा सरकार को मिलते हैं वो आप जैसे युवाओं से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है आपको आकर्षित करने वाली है इन वैकेंसी के माध्यम से। तो दोस्तों अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आप वोट देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अच्छी सरकार बने तो यहाँ पर आपके लिए सरकार वैकेंसी लेकर आ रही है, वोट भी दीजिएगा और वैकेंसी के लिए अप्लाई भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, केंद्र की 78 मंत्रालय विभागों में सिर्फ 40 लाख पदों पर 9.8 लाख पद खाली पड़े हैं। तो इनमें से सिर्फ 4 मंत्रालय जैसा कि रेलवे, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और डाक विभाग की तरफ से 35 लाख पदों पर मंजूरी हो चुकी है लेकिन जिनमें से 22.5% यानी कि 8 लाख पद अभी खाली पड़े हैं। तो 8 लाख से अधिक पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट और भी है। तो कुल मिला के 9.8 लाख पद यानी कि लगभग 10 लाख पद जो है खाली पड़े हैं। ठीक है, वही दोस्तों सबसे ज्यादा जो पद खाली पड़े हैं वो रेलवे की तरफ से है, लगभग 3 लाख पदों पर यहाँ पर भर्ती होने की संभावना बताई जा रही है। और ये वैकेंसी कब आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि चुनाव में हो सकता है लगभग 1 या 1.5 लाख पद आपको देखने को मिल जाए, बाकी वैकेंसी को यहाँ पर फिर से होल्ड किया जाएगा और यहाँ पर लगभग 1.5 लाख वैकेंसी ही आप देख पाएंगे। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से भी जो वैकेंसी है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। और सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग की है, यहाँ पर जो है काफी सारा वर्कलोड बढ़ चुका है, वैकेंसी यहाँ पर खाली पड़ी है, जो पुराने स्टाफ है उन्हीं से यहाँ पर काम कराया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो जल्द से जल्द यहाँ पर जो है नई वैकेंसी की तैयारी की जा रही है और जल्द से जल्द आपको इस साल 2023 में बंपर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी आप सभी के लिए नई अपडेट। आपका इन वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या चार है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको लगता है कि वैकेंसी आएगी, अगर आएगी तो कितनी आएगी और इसके लिए कौन-कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी जारी की जाएगी। तो ये सारी जानकारी आप जो है कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।